नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 मई दिन सोमवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी प्रवक्ता ने नीतीश को बिहार छोड़ने की कही बात। जदयू नेता ने पीएम उम्मीदवारी के लिए नीतीश कुमार के नाम के दिए संकेत। नीतीश और केजरीवाल के मुलाकात पर बीजेपी ने साधा निशाना। श्रवण कुमार ने आरसीपी सिंह को बताया फ्यूज बॉल। नए संसद भवन को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कही ये बात। अब चले बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। बीजेपी प्रवक्ता ने नीतीश को बिहार छोड़ने की कही बात। बीजेपी के प्रवक्ता राम सागर सिंह ने राजद द्वारा की गई अंबेडकर परिचर्चा की फिर से शुरुआत पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर जनसंघ के साथ मिलकर काम करते थे, कांग्रेस के लोगों ने ही उन्हें हराया था और जनसंघ की मदद से वह सदस्य बने थे। आरजेडी और कांग्रेस के लोग दलित विरोधी हैं। हर जगह राजनेताओं के द्वारा दलितों पर अत्याचार होता रहा है, अब यह ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन अब सभी लोग उनके ड्रामा को समझ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जदयू ने भी भीम चौपाल के माध्यम से दलितों को साधने की कोशिश की है। लोहियावादी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि खुद को जदयू लोहियावादी कहते हैं, लेकिन परिवारवाद के गोद में बैठकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके नीतीश जी बिहार को छोड़ दे, जैसे जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है, वैसे भी उनके दिमाग ने उनका साथ तैनात छोड़ दिया है। केजरीवाल ने कहा हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस और भाजपा भी मांग रही वोट। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से यूपी निकाय चुनाव में जीत दर्ज करवाने वाले आपके सभासदों ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि निकाय चुनाव में आपको मिली जीत संकेत दे रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता भी आपकी सरकार बनाने के लिए तैयार है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में धमाकेदार एंट्री मिली है और पार्टी अगला विधानसभा चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। आगे उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने राजनीति का नजरिया बदला है, अब कांग्रेस और भाजपा भी आपके मैनिफेस्टो पर जनता से वोट मांगती है। जैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि हम बिजली फ्री देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, मुफ्त राशन देंगे, तो कांग्रेस भी इन चीजों को देने की बात कर रही, अब भाजपा ने भी यही कहना शुरू कर दिया है। वहीं आगे उन्होंने उत्तर प्रदेश को भाजपा का गढ़ बताया और कहा कि इसके बावजूद भी उन्होंने भाजपा समेत दूसरी पार्टियों को हराया। जदयू नेता ने पीएम उम्मीदवारी के लिए नीतीश कुमार के नाम के दिए संकेत। झारखंड में जदयू अपनी पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में मजबूती देने की कवायद में जुट चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति तैयार करने के काम जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू की जा चुकी है। अब इसी बीच जदयू विधायक सह झारखंड प्रभारी मनोज यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को देश में विपक्ष का सबसे अच्छे नेता है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि देश का माहौल किसी से भी छिपा नहीं है, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसे में देश एक नया नेतृत्व खोज रहा है। हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा साफ रहा है जो देश के सभी लोग जानते हैं। अपनी बातों के दौरान जदयू नेता ने पीएम उम्मीदवारी के लिए नीतीश कुमार के नाम के संकेत भी दिए। राजस्थान में इस तरह से राजपूत वोटर्स पर बीजेपी बनाएगी अपनी पकड़। राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। भाजपा समेत कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। अक्सर राजनीति के गलियारों में जाति मुद्दा बना रहा, भाजपा भी इस बार जाति के आधार पर अपने मतदाताओं को साधने की कोशिश में है। राजस्थान में राजपूत वोटर्स का प्रभाव लगभग 85 सीटों पर माना जाता है, इसलिए राजपूत वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के जन्म शताब्दी समारोह को पूरे राज्य में मनाने की कोशिश में है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ही 23 अक्टूबर को भैरव सिंह शेखावत का 100वां जन्मदिन मनाया जाना है। इनकी 13वीं पुण्यतिथि 15 मई को थी। पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री के श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। नीतीश और केजरीवाल की मुलाकात पर बीजेपी ने साधा निशाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के मुलाकात को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने इस मुलाकात को लेकर केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा है कि एक समय ऐसा था जब अरविंद केजरीवाल नेताओं के नामों की सूची के लिए घूमा करते थे और उन्हें भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते थे। आज वह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को गले लगाने को तैयार है। केजरीवाल की प्राथमिकता भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ना है। भ्रष्टाचार के अपने साम्राज्य को बचाने के लिए वह किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद साक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली की प्रशासनिक और कानूनी स्थिति दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाती है, लेकिन केजरीवाल अपने तानाशाह रवैये के कारण इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अध्यादेश की बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र के पास आवश्यक अध्यादेश लाने का अधिकार है और यही कारण है कि केंद्र इसे लेकर आई है। सीएम केजरीवाल इस पर विवाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने का डर है। अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुशील मोदी ने राहुल गांधी और ललन सिंह से की माफी की मांग।
सुप्रीम कोर्ट के विशेषज्ञ समिति के रिपोर्ट में अदानी समूह को अब सभी मामलों में क्लीन चिट मिल चुकी है। इस बात की चर्चा करते हुए बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस मामले पर संसद ठप करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनर्गल आरोप लगाने वाले राहुल गांधी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि भारत में आर्थिक हड़कंप मचाने की नीयत से जारी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले पूरे विपक्ष का पानी उतर गया है। आगे उन्होंने कहा कि सदन में जो लोग 20 से 80 हजार करोड़ तक के शेयर घोटाले का आरोप लगा रहे थे, उनकी अब बोलती बंद हो गई है। जदयू प्रवक्ता ने पीएम मोदी को इन लोगों से मिलने की दी नसीहत। बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में बिहार बीजेपी के तरफ से महासंपर्क अभियान शुरू होने वाला है। अब इस अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अभियान में भाग लेने पहुंच सकते हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री से बिहार में एक कार्यक्रम करने की मांग की है ताकि जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को पहुंचा सके। सम्राट चौधरी के सलाम के बाद जदयू की तरफ से बयान सामने आया है। दरअसल जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार द्वारा कहा गया कि पीएम मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बिहार आए तो इन 6 लोगों से जरूर ही मिलने जाएं जो साल 2013 में उनकी सभा में मारे गए थे। उनके परिवार को उन्होंने भरोसा दिया था कि वह उनकी देखभाल करेंगे, उनके परिवार के सदस्य को नौकरी देंगे। यह परिवार आज भी नौकरी पाने के इंतजार में बैठा है। नए संसद भवन को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कही ये बात। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। अब इसी को लेकर विपक्षी बीजेपी पार्टी पर हमलावर है। अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन उद्घाटन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए न कि प्रधानमंत्री को। बता दें कि नए संसद भवन की आधारशिला पीएम मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी, जो कि अपने रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो चुका है। 64,500 वर्ग मीटर में फैले इस नए संसद भवन में संविधान हॉल भी मौजूद है, जहां भारतीय लोकतंत्र की विरासत को दिखाया जाएगा। विपक्षी एकता के महाबैठक को लेकर समय व जगह तय कर सकते हैं नीतीश और खड़गे। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विपक्षी एकता के मुहिम को लेकर दिल्ली में हैं। यहां आने के बाद उन्होंने कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। अब खबर है कि वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं के बीच विपक्षी एकता के मुहिम को लेकर भविष्य में इसके रणनीति को लेकर चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ विपक्षी दलों के महाबैठक को लेकर समय और जगह भी तय किए जाने हैं। बता दें कि इससे पहले भी इसी संबंध में नीतीश खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही साथ विपक्षी एकता को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ राय विचार किए जा चुके हैं, जिसमें नवीन पटनायक ने खुद को इस मुहिम से अलग कर विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका दिया था। बीजेपी नेता ने केजरीवाल को लेकर कही ये बात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अध्यादेश लाया गया। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब इसी बीच बीजेपी नेता हर्षवर्धन सिंह का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी है जो पूरी ईमानदारी के साथ देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि देश ही नहीं विदेशों में भी भारत के मान को बढ़ने का काम उन्होंने किया है। देश का हर वर्ग आज बहुत खुश है। आगे केजरीवाल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल किससे मिल रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लोगों ने नरेंद्र मोदी को 2014 और 2019 में आशीर्वाद दिया था और हमें उम्मीद है कि लोग 2024 में भी अपना आशीर्वाद देंगे। बता दें कि अध्यादेश मामले का जिक्र केजरीवाल और नीतीश के मुलाकात के वक्त भी हुई थी, जहां अध्यादेश की बात करते हुए उन्होंने अध्यादेश को लोकतंत्र और संविधान की हत्या बताया। वहीं बीजेपी नेता द्वारा कहा जा रहा है कि अध्यादेश दिल्ली की जनता के हित के लिए लाया गया है। दलित विरोधी कहे जाने पर आनंद मोहन ने किया पलटवार। बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले आनंद मोहन की रिहाई लोकसभा चुनाव से पहले हुई है, इसे लेकर खूब सियासत देखने को मिल रहा है। बता दें कि आनंद मोहन को राजपूत वोटरों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने वाले नेता कहा जाता है। जब से डीएम कृष्णैया के हत्या मामले में आनंद मोहन का नाम सामने आया है, तब से उन्हें दलित विरोधी करार दिया जा रहा है, क्योंकि कृष्णैया भी अपना संबंध एक दलित परिवार से ही रखते थे। आनंद मोहन को दलित विरोधी कहे जाने वाले बयान पर उनका पलटवार सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि राजनीति का पहला चुनाव ही वो दलितों के वोट से जीते थे। आगे उन्होंने बताया कि साल 1990 में वो सहरसा जिले के जिस महीसी विधानसभा सीट से 62,000 वोट के मार्जिन से जीते थे, वह राजपूतों की संख्या महज 7,000 थी। आगे उन्होंने कहा कि महीसी सीट से जीत दलितों के लिए मेरे प्यार का सबूत है। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। अभी कुछ दिनों पहले ही जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार की आलोचना करने पर चर्चा में आए थे। अब एक बार फिर से उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव सैनिकों की लाश पर लड़ा गया और अगर इस मामले में जांच होती तो तत्कालीन गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता, कई अधिकारी जेल में होते और एक बड़ा विवाद पैदा हो जाता, इसलिए इन लोगों ने जांच नहीं करवाई। बता दें कि इससे पहले भी मलिक ने दावा करते हुए बताया था कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूचित किया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा था।
श्रवण कुमार ने आरसीपी सिंह को बताया फ्यूज बॉल। आज बिहार मंत्री श्रवण कुमार अपने कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने के लिए बिहार शरीफ पहुंचे। अपने कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने के बाद वे आरसीपी सिंह पर हमलावर होते दिखे। दरअसल आरसीपी सिंह की चर्चा करते हुए उन्होंने उसके इस बयान पर पलटवार किया, जहां उन्होंने कहा था कि हमसे लड़ने की औकात नहीं, मेरी बेटी जवाब देगी। श्रवण कुमार ने इस बयान को लेकर कहा है कि बीजेपी में जाने के बाद वे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, वे पूरी तरह घबराहट में है। आगे बीजेपी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनके अंदर क्या तासीर है। बीजेपी आरसीपी सिंह को 3 साल से इस्तेमाल कर रही है। इस्तेमाल करते करते बीजेपी समझ चुकी है कि आरसीपी सिंह फ्यूज बॉल हैं, जो कभी भी जल नहीं सकते और नीतीश कुमार को चुनौती देते हैं। संजय राउत ने पूर्व राज्यपाल कोश्यारी को बताया अपराधी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने वर्षा स्थित शिंदे के आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल के बीच किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन इस मुलाकात की चर्चा राजनीतिक पार्टियों के बीच शुरू हो चुकी है। अब इस बीच ठाकरे सांसद संजय राउत ने पूर्व राज्यपाल कोश्यारी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे अपराधी है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अपराध कोश्यारी ने किया है, जो उस समय राज्यपाल थे। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि यह कितना बड़ा अपराध था। वहीं मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल की मुलाकात की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अपराधी से मिलते हैं तो 2 असंवैधानिक व्यक्ति दिखाई देंगे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश पर खड़े किए सवाल। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार जल रहा है और हमारे मुख्यमंत्री देशाटन कर रहे हैं, भला इससे बिहार का क्या भला होने वाला है। नीतीश कुमार भी अब केजरीवाल मॉडल पर काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में आपातकाल है, यहां विपक्षी नेताओं से लेकर पत्रकारों की आवाज को सरकार दबाने में जुटी है। नीतीश सरकार पत्रकारों का मुंह बंद रखने की कोशिश कर रही है। वहीं घोटाले की बात करते हुए उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि बिहार में 1,000 करोड़ के घोटाले को विधानसभा के पटल पर आने से रोका गया। तकनीकी रूप से आप और केजरीवाल जी भ्रष्टाचार का एक नया स्वरूप दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि बिहार में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आज के राजनीतिक जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है, उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, अजीत पोरस और जितेंद्र ठाकुर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, जातिगत आधार पर हो रहे राजनीति को खत्म करने के लिए जनता को अपनी तरफ से क्या पहल करनी चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।